हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो यार, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने आपसे वादा किया था कि लास्ट वीडियो डाली थी नोटिफिकेशन आउट वाली, तो मैंने आपको कहा था कि जो भी आपके डाउट्स होंगे आपको नीचे कमेंट कर देना। तो यार, हम उसी कमेंट सेक्शन को आपको स्टार्ट करते हैं, और आई होप वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी क्योंकि आपकी डिमांड पर वीडियो आ रही है। तो आज को सारे कमेंट सेक्शन को एक बार पूरे से थोरोली पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं, और जो जो यहाँ से आपका आउटकम निकलेगा उस पर हम फिर आपकी नेक्स्ट वीडियोस लेकर आने वाले हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार वीडियो को। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन वी हैव फर्स्ट कमेंट ऑफ आदित्य नेगी। आई थिंक ये न्यूएस्ट फर्स्ट वाज बाय सॉर्टेड। तो कैन वी गेट क्लास 12th, कैन वी गेट चेस विद क्लास 12th बोर्ड विद 90%? सॉरी, आप क्लास 12th के मार्क्स का यहाँ पर कोई भी आपका काम नहीं होने वाला है। That all everything goes with the JEE marks. That जो भी होगा आपका JEE के मार्क्स पर बेसिस पर होगा। And then आपका नेक्स्ट था भाई, is there is any minimum percentage criteria for class 12th for admission? No, there is no minimum criteria for class 12th admissions. और इसके हमने टी के आर का भी रिप्लाई कर दिया, तो इसका भी कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होने वाला। एंड वी विल मूव टू द क्लेवर कैट। भैया, डॉक्यूमेंट्स, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन डॉक्यूमेंट्स, ब्रांच प्रेफरेंसेस एंड सम थिंग्स रिलेटेड टू काउंसलिंग। प्लीज अरेंज द काउंसलिंग कॉलेज ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स। ओके ब्रो, एंड ये भी आपका जरूर हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर के ऊपर मैं वीडियो जरूर आएगी, मतलब ऑब्वियस से ब्रांच प्रेफरेंस भी एक अलग वीडियो है, टिप्स रिलेटेड टू काउंसिल बिल्कुल ये भी आएगी, एंड अकॉर्डिंग टू ब्रांचेस ये भी जरूर आने वाली है। डार्क टेबल कुछ भैया, डॉक्यूमेंट पर वीडियो विद फॉर्मेट। ओके ब्रो, फुल डार्क डेविल वीडियो आएगी डॉक्यूमेंट। एंड देन अमन डबराल पूछ रहे हैं डॉक्यूमेंट फॉर TFW प्लीज। ओके अमन यार, तो आपके जो TFW के लिए आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, पहली बार मैंने TFW भी लास्ट ईयर की वीडियो बनाई थी और एक साल भी स्ट्रीम करी थी, और जो आपके उसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उन्हीं की अगर बात करें, तो डॉक्यूमेंट्स अच्छा कुछ खास नहीं होता, सिर्फ आपको इनकम सर्टिफिकेट ही होता है। दैट इज बिलो आई थिंक 2.5 लाख और 2 लाख से नीचे भी होता है, वो आपको मैं दोबारा कंफर्म कर बता दूंगा। मतलब मेन क्राइटेरिया आपका इनकम सर्टिफिकेट का होता है TFW में, एंड यू शुड बी द रैंकर ऑफ दैट ब्रांच, तभी आपको TFW मिलती है। भैया चॉइस, पूनम रावत इज आस्किंग भाई, चॉइस फिलिंग समझा देना अच्छे से कैसे फ्रीज फ्लोट प्रोसेस, प्लीज मेक अ वीडियो व्हाट प्रिकॉशंस यू शुड टेक। ओके, तो यार सम की बात करें ना, फ्रीज फ्लोट ये जो आपका होता है दोसा की काउंसलिंग होती है, यहाँ पर उत्तराखंड वाली में आपका फ्रीज फ्लोट ऐसा कुछ होता नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक फ्रीज एंड फ्लोट इन दिस। लास्ट ईयर तक तो नहीं था, बाकी इस बार देखते हैं जो भी होगा, और बाकी वीडियो जरूर आएगी। एवरीथिंग विल बी कम डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, इन गैप सर्टिफिकेट भी मंगाना ड्रॉप लिया है, एंड चॉइस फिलिंग के ऑर्डर के बारे में डिटेल बता दीजिए। राहुल जोशी बिल्कुल, एंड डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए बिल्कुल, उसके ऊपर एक आपके सभी काफी हो उन लोगों ने इसकी इस वीडियो की रिक्वेस्ट की, तो बिल्कुल ये वीडियो आएगी। एंड गैप सर्टिफिकेट बिल्कुल, गैप सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, चाहे चॉइस फिलिंग किस ऑर्डर में उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आने वाली है। जल्दी डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आने वाली। थैंक्स हानु शिवांश पूछ रहे हैं भैया, बीटेक लेटर एंट्री के लिए भैया बता दीजिए रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी, कैटेगरी वाइज एंड डॉक्यूमेंट की बिल्ड। लेटर एंट्री, लेटर एंट्री का अपने को कोई इतना खास अंदाजा नहीं है। लक्षिता सेन सिंह, थैंक यू सो मच भैया, मोस्ट वेलकम। मेक अ वीडियो इन यूट्यूब काउंसलिंग फुल डिटेलों के अलावा देंगे, बट आई थिंक वी हैव मेक अ लॉट ऑफ वीडियो ऑन दिस, पर्टिकुलरली ऑन दिस वीडियो काउंसलिंग, एंड देन अभी आई गई है तो अभी उसके ऊपर एक एक चीजों के ऊपर भी डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, फिर दोबारा से इलाहाबाद इंजीनियर पूछ रहे भैया, कैन आई गेट ईसी
इन पंतनगर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इतनी रैंक है एंड कैटेगरी रैंक है, आई एम वेटिंग फॉर स्पोर्ट राउंड सीएसई। यार इतने पर तो काफी मुश्किल रहने वाली है आपकी, बट आकाश कह रहे से मिल जानी चाहिए तो स्पोर्ट में ही शायद आपको मिल पाएगी, क्योंकि अदर स्टेट के आपके पास कोटा है, तो अदर स्टेट मतलब आप यूपी वाले हो ना, तो अदर स्टेट फिर वहां पर दिक्कत करेगा। बाकी तो ठीक है सब, साइट के लिंक शेयर कर दीजिए। ओके गणेश कर रहे, आपकी साइट का लिंक हो गया utech.ac.in। एंड देन नाउ देवांश कुमार इज आस्किंग, भैया मेरी सीआरएल 8 लाख, क्या मुझे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा भाई, 8 लाख सीआरएल 8 लाख है, नहीं मिल पाएगा। सॉरी फॉर दैट ब्रो, आई थिंक शुड हैव वर्क्ड। लेटरल एंट्री बीटेक में बताइए कैसे करना है, इसके लेटरल एंट्री वाले को अपने कुछ खास नॉलेज नहीं है। स्पोर्ट के लिए तो अभी आपकी आपकी जो होगी वो अलग ही होगी, स्पोर्ट के लिए तो आपकी कॉलेज को ही देनी होती है फीस। और बात करें इसकी अदर वाली, तो मतलब आप कहने की सेकेंड राउंड के लिए, तो यार सेकेंड राउंड इस बार फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो वो उसका जब प्रॉपर पूरा नोटिफिकेशन आएगा डिटेल के साथ, तो हम तब उस पर बात करें, जब उसका पूरा नोटिफिकेशन आपका आएगा प्रॉपर तब। या प्रियांशु उपाध्याय विज कम विद अलॉट ऑफ डाउट्स देन इज आस्किंग, हमें कॉलेज में जीई का रजिस्ट्रेशन कराना होगा 12 बेसिस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काउंसलिंग में आपको जीई के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए काउंसलिंग पर? वीडियो आपकी आई, काउंसलिंग में मेनली कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता, सिर्फ आपको उनके चीजें भरनी होती है, तो ऑप्शन सेलेक्ट करना था। डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में दिखाने होते हैं, जब आपको आप रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में आएंगे तब आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। राइट, एंड देन डॉक्यूमेंट जनरल कैटेगरी कोई भी सर्टिफिकेट होता? जी नहीं, बिल्कुल जनरल कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट आपका नहीं होता है। एंड न्यूट्रॉन जिसका हमने पिछले साल साथ दिया, इस बार पूरा हमारा साथ देते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इसमें? बिल्कुल डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए अलग वीडियो से आ जाएगी। तो डॉक्यूमेंट कब तक चाहिए? कॉलेज के टाइम अलॉटेड के बाद, जब बिल्कुल आपका जब अलॉट हो जाएगा उसके बाद ही आपको आपको कॉलेज में दिखाने होंगे। जब आपको आप कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद आपको दिखाने होंगे। काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट के बाद फ्रीज फ्लोट का प्रोसीजर होता है इसमें, यार आपका उत्तराखंड वाली में देयर इज नथिंग लाइक फ्रीज एंड फ्लोट। यहाँ आपको जो मिलेगी आप वहां पर जाएंगे तो ठीक है, वरना फिर वो दोबारा से आ जाएंगे। लास्ट ईयर तक तो यही था, बाकी इस बार देखते हैं जो भी आएगा उस पर फिर हम बात करेंगे। नोटिफिकेशन जिसका पूरा डिटेल वाला आएगा उस पर हम अलग से बात करेंगे। दोनों राउंड के फीस अलग देंगे यार, के ई मॉनिटर यार इसका ना अभी उन्होंने कोई भी खुलासा नहीं किया है, मतलब दे हैडंट डिस्क्लोज दैट एवरीथिंग दैट इज हैपेंड, बट जो भी है यार आपका नोटिफिकेशन आ रही है उसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर जरूर आ जाएंगे। आयुष इज आस्किंग, भैया 4.7 लाख ईडब्ल्यूएस में कौन सी ब्रांच मिल सकती है पौड़ी में? और कोई कॉलेज ले सकते लिए जाए आईटी गोपेश्वर का ले सकते हैं अगर वहां आ गए तो? हमारे तो अगर आया तो ले सकते हो, बाकी 4.8 AWS पर मैकेनिकल वगैरह ही मिल पाएगी, यहाँ पर मैकेनिकल में भी मैन्युफैक्चरिंग। भैया आप हमको रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दीजिए डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन आपका आप UKTech.ac.in की वेबसाइट पर जाकर आप ले सकते हैं, एंड और जो जब आएगा तो बिल्कुल दे देंगे, क्योंकि 27 से स्टार्टिंग आई थिंक। बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए 26-28 तक फीस भरनी है, बिल्कुल फीस वो होगी आपकी जो आपकी 2000 रुपये फीस होती है, मतलब जो आपकी 28 वाली नहीं, जो आपकी 5 से काउंसलिंग है, 5 से 8 वाली जो आपकी यूके टेक वाली है, मतलब यूटीयू फर्स्ट ईयर की है जो वाली उस पर। भैया AIR इतने 2,65,000 PCIML मिल जाए यार, सारी राउंड भरो भाई। आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर एवरी राउंड, कब नहीं पता आपका किस्मत कहाँ पर चल जाए। ट्राई फॉर एवरी कॉलेज मैन। भैया 6.5 लाख में पौड़ी में कौन सी ब्रांच मिल सकती है? शायद मैकेनिकल विद मैन्युफैक्चरिंग।
हाँ इतना CRL 96,000 EWS कैन आई गेट विच राउंड आई गेट CAC पेंटनगर स्पोर्ट मिल जाने तो बिल्कुल। आई थिंक आपको जो कमेंट में रिप्लाई दिया वो सही है सबसे, और मिल जाएगी सेकंड राउंड में मिल जानी चाहिए, थर्ड या फोर्थ राउंड स्पोर्ट बिल्कुल। शायद इस बार स्पोर्ट राउंड का आपके कम हो क्योंकि उनको जल्द ही पूरी करनी है। ऑल इंडिया रैंक 1,51,000 है, जनरल उत्तराखंड में पौड़ी में मिल जानी चाहिए। अगर स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी तो आपको स्पोर्ट राउंड में मिल जाएगी स्टेप स्टेप बाय स्टेप। ओके वीडियो विल आपकी वीडियो आराम से आ जाएगी, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। या आई थिंक पीपल्स आर आंसरिंग गुड। हाँ न्यूट्रॉन गैस एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल सटीक आंसर है न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन यार पिछले साल हमारे साथ जुड़े थे, प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे भरनी काउंसलिंग के टाइम, उसके ऊपर बिल्कुल लग जाएगी। लेकिन आपको पहले 15 नगर की जितनी आप ब्रांचेस प्रीफर कर सकते हैं तो पहले 15 नगर देन फोड़ी देन द्वारा इस तरह से ऑर्डर में चलना होगा। उसके लिए हम अलग से वीडियो आपके लिए जरूर लाएंगे। 86 परसेंटाइल में 1.3 लाख रैंक है तो कौन सा कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा? फोड़ी आपको यार मिल जाना चाहिए फर्स्ट राउंड में, मतलब एकदम फर्स्ट राउंड में। बाकी सेकेंड थर्ड राउंड में आपको शायद और भी कॉलेजेस आपको मिल जाए, राइट। तो यार ये थे आप सभी लोगों के डाउट्स जो हमने इस वीडियो में शायद ये आंसर्ड एवरीथिंग एंड या और जो भी आपके डाउट हो स्टिल डाउट्स हैं तो आप इस की वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो जो है तो वो आपकी होगी व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड्स व्हाट आर योर चॉइस फिलिंग्स एंड जो आपके 3-4 सजेशन और थे मैंने देख लिए सारे वाले, और उसके बारे में ये सभी इन सभी आपके सब्जेक्ट्स पर आपकी कमेंट पर आपकी वीडियोस आती रहेंगी। एंड या थैंक यू गाइज फॉर हैविंग सच एन अमेजिंग सपोर्ट, थैंक यू फॉर ऑल फॉर यू। आपने इतना सपोर्ट या थोड़ा सपोर्ट और आपकी काउंसलिंग पूरी हो ही जाएगी। एंड या आई होप आपको कॉलेज अच्छे से अच्छा मिले, और उसके लिए आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना नीचे। और अगर कभी कभी वीडियो आने में देरी हो तो समझ जाना कॉलेज है तो थोड़ा सा काम इधर उधर रहता है, तो इसलिए हो जाएगा। बाकी आपके साथ रेगुलर वीडियो आती है रहेगी हमेशा। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन एंड डाउट्स यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम Ujjwal Kapil 09 एंड कमेंट सेक्शन तो आपके लिए हमेशा खुला है। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथ वालों के लिए शेयर करना, बिकॉज कर भला तो हो भला। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।